सो दोस्तों, बिग बॉस 17 के घर में आज रात को आएगा कॉलर ऑफ द वीक का फोन दोस्तों। जी हाँ, और वो अभिषेक की क्लास लेगा दोस्तों। जी हाँ, सलमान सर हर हफ्ते ये कई हफ्ते बाद बाद ये कॉलर ऑफ द वीक एक फ़ोन कॉल आता है जो कंटेस्टेंट से सवाल पूछते हैं जनता का। उनमें से आज अभिषेक को फ़ोन करके क्लास लगाएंगे अभिषेक की। वो बोलेंगे, अभिषेक तुम बहुत दोगला गेम खेल रहे हो अभी, है ना। बात सुनकर अभिषेक रो देंगे और अपसेट हो जाएंगे वो, है ना। तो अभिषेक तुम बहुत दोगला गेम खेल रहे हो, है ना। कॉलर ऑफ द वीक का कॉल आएगा और वो बोलेंगे कि अभिषेक तुम बहुत दोगला गेम खेल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम खानजादी के साथ एक तरफ रोमांस करते हो, दूसरी तरफ टास्क में जीतने के लिए बहन बोल देते हो उसको, है ना। तुम अपने और खानजादी के मोमेंट्स का, रोमांटिक मोमेंट्स का मजाक उड़ाते हो, है ना, मजाक बनाते हो, फिर विकी भाई करते हो, फिर टास्क के वक्त विकी भाई से विकी बन जाता है अब तुम्हारा। उस दिन वो राशन टास्क में वो विकी को विकी विकी भाई से विकी बोल रहा था ना, फिर विकी ने बोला विकी भाई से सीधा विकी, तो वो धज्जिया उड़ा दिया उस दिन अभिषेक ने, तितर बितर कर दिया, इसलिए राशन टास्क वो जीत गया था। तो विकी भाई करते हो और फिर तुम सबकी बजाते हो, है ना। इसी बीच एमसी स्टैन जो है वो अभिषेक को एक मैसेज देंगे। एमसी स्टैन बोलते कि उनके जो कंटेस्टेंट्स थे उनके सभी के साथ उनका अभी भी वो है, साजिद, शालीन। तो एमसी स्टैन एक मैसेज लेके आया है शालीन की तरफ से। जी हाँ, आपको पता है शालीन और अभिषेक जो है उन लोगों ने पहले से एक शो किया था, बेकाबू शो था उनका, शायद सीरियल था। तो शालीन ने एक वीडियो मैसेज भेजा एमसी स्टैन के द्वारा अभिषेक को। जी हाँ, तो शालीन ने भेजा कि फैमिली इज़ हैप्पी, तुम्हारी फैमिली हैप्पी है और तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम जो गेम खेल रहे हो तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो। अभिषेक को ये शालीन का ये मैसेज आया है एमसी स्टैन की तरफ से। तो एमसी स्टैन ने बहुत सारे मैसेज भी दिए हैं। एमसी स्टैन ने खानजादी को भी बोला, खानजादी यू आर स्ट्रांग। खानजादी और एमसी स्टैन एक दूसरे को जानते हैं रैप के दिन से, है ना, वो लोग रैपर है तो लोग जानते हैं ना। तो खानजादी को जानते हैं स्टैन, तो खानजादी के पास्ट के बारे में भी जानते हैं, फिर उनके मेडिकल कंडीशन के बारे में भी बोला सबने। एमसी स्टैन ने खानजादी के मेडिकल कंडीशन जो है वो सच है, तो खानजादी इज़ नॉट वेल, तो सच है वो। कुछ हादसा हुआ था खानजादी के साथ दोस्तों, वो टॉर्चर हुआ था। ये भी है, बात तो सुनने में आया था कि खानजादी बार बार भाग के आई थी बॉम्बे, उनका कुछ स्ट्रगल था, है ना। तो वो आसाम से है और उनके पापा अफगानिस्तान से है, पठान है, पास्तून है। तो सलमान सर भी आज खानजादी को थोड़ा कंसोल करेंगे घर में आके, और उनको थोड़ा वो करेंगे और बोलेंगे कि तुम बाहर मिलना मुझसे, क्योंकि देखो एमसी स्टैन ने फर्रे मूवी में टाइटल ट्रैक का गाना गाया है, सलमान सर ने चांस दिया है उनको। और दोस्तों एमसी स्टैन ने अनुराग को भी बोला है ऐसा मत करो, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है काई को बाहर आने का। जैसे एमसी स्टैन भी बाहर आना चाहते थे पहले पहले जब वो बिग बॉस के घर में आए, है ना, तो अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता बाहर जाने का, बाहर जाने का। तो अब क्या बोला है। और मुनावर को भी बोला मीटर चालू कर, क्या विषय मीटर चालू करना है ना, रजाक भाई नहीं जाग रहा है। तो मुनावर दोस्तों सबके साथ अच्छा रहना चाहता था, है ना, लेकिन सब लोग समझते कि वो गेम खेल रहा है, तो अब मुनावर भी अपना गेम खेलेगा, है ना। वो कहते हैं ना सबके अच्छा सबके साथ बनने जाएगा ना फिर लात खाएगा, ये मैंने सीखा है। सबके साथ मैं भी पहले अच्छा था, पीछे लात मार देता है, उल्टा हमें बोल देता है मैं दोगला हूँ, तो यही गंदा है। तो मुनावर को भी गेम अच्छा करना पड़ेगा अभी, है ना। तो अब बाकी तो कॉलर ऑफ द वीक का वही अभिषेक को बोला वही था, और बाकी तो खानजादी का मेडिकल कंडीशन। अब खानजादी और अभिषेक और नज़दीक आएंगे लगता है ना, और कल तो वर्ल्ड कप है, देखते रहिए।